जय बाबा की। तो दोस्तों, आज हनुमान जी का एक सिद्ध मंत्र बता रहा हूँ जिससे आपकी हर तरीके की रक्षा हो सकती है, जिससे कि कोई भी भूत प्रेत चौकी किया कराया सब कुछ की काट हो सकती है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप चौकी चौकियों पर जाकर थक चुके हैं। कहते हैं बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि भाई हम लोग इतने भक्तों के पास जा चुके हैं, किसी ने इतने पैसे ले लिए, कितने इतने पैसे ले लिए, पर कभी किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे पास ये बहुत सारी चीज़ आती है कि बाबू जी मैंने आपका ये उपाय किया, थोड़ा फ़ायदा हुआ, थोड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज इन सब चीज़ों की ना काट कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको आज एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ कि अगर आपने पूरी भक्ति के साथ, पूरी भावना के साथ ये उपाय कर लिया ना भाई, तो ये समझ के रखिएगा कि इस उपाय के करने से आप जो भक्तों के पास दौड़ रहे हो, चौकी से चौकी जा रहे हो, घाट से घाट जा रहे हो, गद्दी से गद्दी जा रहे हो, वो सब खत्म हो जाएगा। देखिए कि चौकी गद्दी वाले जो होते हैं वो भी भगवान नहीं है, वो भी इंसान ही है। उनके साथ भी दूत महाराज होते हैं, वो भी जो दूत होते हैं या जो शक्तियाँ होती हैं वो भी मंत्रों से सिद्ध होती हैं, वो भी चीज़ों से सिद्ध होती है। तो क्यों ना आप उसे खुद के लिए भी कर लो। पर यहाँ पे एक मैं पहले बता दूँ, ऐसा ना हो कि मंत्र को अपने लिए सिद्ध करते करते आपके मन में अहंकार आ जाए, आपके मन में चीज़ें हो जाएं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। मैं आपको एक उपाय बता दे रहा हूँ आज, जिससे आप हर तरह की ऊपरी छुपरी बाधा क्रिया बंधन तोड़ना टोटका सबको काट सकते हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। चेला गोरख का ये जो चैनल है, ये चैनल केवल और केवल बात करता है प्रभु की, आपके अपने भले की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम हर की, जय बागड़ की सरकार तेरी सदा ही जो। तो दोस्तों भक्तों, स्वागत है चेला गोरख का। श्री सिद्ध गोरख धाम सेवा ट्रस्ट की स्थापना हम कर रहे हैं, उसमें भी आप अपना सहयोग दें। और आज उपाय बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको स्नान करना है, और यह उपाय आप ये समझ के चलिए कम से कम 11 दिन करना है लगातार, कम से कम 11 दिन लगातार करना है। उससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है, 15 दिन, 30 दिन, डेढ़ महीना, दो महीने भी करना पड़ सकता है, पर कम से कम 11 दिन। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 11 दिन के अंदर अंदर आपका जो कहते हैं एकदम मरने वाली कंडीशन है वो कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं संतोष प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लगातार 11 दिन कम से कम करना ही करना है ये उपाय। आपको क्या करना, सुबह सुबह नहाना है, धोना है, नहा धोकर बाबा की तस्वीर के सामने या मंदिर में कहीं भी जहाँ भी आप अपना जा सकते हैं वहाँ जाइएगा और बाबा का दीपक लगाइएगा। अब यहाँ मैं बाबा की बात कर रहा हूँ, बाबा गोरखनाथ की बात कर रहा हूँ या बाबा हनुमान जी की बात कर रहा हूँ, ये आपको समझना है। मैं एक आज हनुमान मंत्र लेकर आया हूँ, श्री बालाजी महाराज का मंत्र लेकर आया हूँ, पर ये मंत्र जो है ये गुरु गोरखनाथ की ही विद्या है। मंत्र हनुमान जी का है पर विद्या गोरखनाथ जी की है। ठीक है, तो ये मंत्र आपको करना है। उसमें करना क्या है कि आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक लगाना है, सरसों के तेल का, तिल के तेल का, जो भी आपके सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आप दीपक लगाएंगे, ईश्वर का धन्यवाद देंगे और उसको प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे शंभू, हे सिद्धनाथ, हे मेरे प्रभु अनुपुत्र हनुमान, मेरी जो समस्या है, मेरी जो क्रिया हो रही है, जो भी किया कराया है, टोना है, टोटका है, ऊपरी शुपरी तन तन मंत्र जो भी कुछ है इसको ख़त्म कर दो। ठीक है, ऐसा आप प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, माला लेंगे, माला बाजार से माला लीजिए, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, सबसे अच्छी रहेगी आपके लिए, 108 मोतियों की रुद्राक्ष की माला। ठीक है, 108 रुद्राक्ष की माला, अगर मोती की माला है तो मोती की माला भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, और उसके बाद आपको जहाँ आप दीपक लगाया है प्रार्थना करिए बाबा से, वहीं आप बैठ जाएंगे। और ये मंत्र मैं लिख भी दूंगा, नहीं तो ये बोलना है आपको। ठीक है, माला में एक माला करनी है आपको इस मंत्र की, ओम नमः ब्रज का कोठा, जिसमें पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेला यति हनुमंत रखवाला। ठीक है, ओम नमः ब्रज का कोठा, जिसमें पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरा यति हनुमंत रखवाला। ये मंत्र जो मैं लिख भी रहा हूँ, इसमें आपको आ रहा होगा स्क्रीन पर ही ना,
इस मंत्र को आपको करना है। ये एक माला आपको करनी है सुबह। और अगर मैं कहता हूँ कि और ये लगातार 11 दिन कम से कम करना है, पर अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा भयंकर परेशानी है और ऐसा लग रहा है कि जान जा रही है, कुछ भी हो रहा है, तो भाई इस मंत्र की माला को आप एक सुबह एक शाम दो टाइम ज़रूर करें, दोनों समय ज़रूर करें मंत्र की माला। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूँ आपको क्या करना है। सुबह उठकर स्नान करना है, बाबा के सामने बैठना है, बाबा का दीपक लगाना है। दीपक आप देसी घी का लगा सकते हैं, सरसों का तेल का लगा सकते हैं, तिल के तेल का लगा सकते हैं, जैसा भी चाहे दीपक लगा सकते हैं। दीपक लगाना है और दीपक लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ईश्वर का धन्यवाद करना, उनके हमने प्रार्थना करनी है कि जो मेरे पर ऊपरी शुभ तांत्रिक क्रिया कराया टोना टोटका, उससे दूर करें, उससे बचाएँ, उसे काटें। ठीक, और उसके बाद आपको माला करनी है, एक माला प्रतिदिन, और अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो एक माला सुबह और एक माला शाम, दोनों टाइम करनी है आपको। मंत्र मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बताता हूँ। ओम नमः ब्रज का कोठा, जिसमें पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरा हनुमंत यति रखवाला, या मेरा यति हनुमंत रखवाला। ठीक है, ये आपको बोलना है। एक चीज़ याद रखिएगा, पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इसको बोलिएगा, आपका हर कष्ट कट जाएगा, आपकी हर व्याधा कट जाएगी। भैया देखिए, चीज़ें फिर से बता दूँ, सारा कमाल जो है ना वो श्रद्धा का, भक्ति का है, ईश्वर पर विश्वास का है। जितना ज़्यादा विश्वास पक्का, उतनी जल्दी आपकी समस्या का समाधान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये उपाय आपको बता दिया। और मैं फिर एक बार आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि सिद्ध गोरख धाम सेवा ट्रस्ट की हम स्थापना कर रहे हैं दिल्ली में, और उसमें सभी भक्तों का इलाज निःशुल्क किए जाने की हमने उद्देश्य रखा है, और जो भी बाबा की भक्ति है, बाबा की शक्ति है, बाबा की सिद्धि है, उसको प्रचार प्रसार का उसमें हमने उद्देश्य रखा है। ट्रस्ट की सहायता करें, ट्रस्ट में सहयोग करें, अपना अपना योगदान दें, जो जैसे भी दे सकता है वैसे दें, और हमसे जुड़े। यहाँ के साथ साथ इस चैनल को, जो चेला गोरख का चैनल है, क्योंकि ये किसी से पैसे नहीं लेता, ये किसी तरह के किसी के साथ जाति नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि कई बार जवाब देने में समय लग जाता है, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, इतना बिज़ी हो जाता है, क्योंकि मैं काम भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, क्योंकि मैंने इसी काम से पैसा कमाने का नहीं सोच रखा है, और मैं एक गृहस्थी हूँ, बाबा की सेवा करता हूँ, बाबा का सेवक हूँ, चेला हूँ, तो मैं अपने काम करता हूँ, अपने परिवार को संभालता हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे परिवार को संभालने का जो कर्म है वो मेरे ईश्वर ने दिया है, मेरे प्रभु ने दिया है। और मैं इसलिए हमेशा सबसे कहता हूँ कि अपने परिवार के दायित्व को निभाइए, और उसके साथ जो आप कर सकते हैं वो कीजिएगा। तो इसलिए इस चेला गोरख का चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँच सके। वीडियोस को शेयर किया कीजिए दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने जो भी आसपास में भक्त हैं, जो परेशान हैं, उनको शेयर किया कीजिए। ये भी एक पुण्य का माध्यम है, जिससे पुण्य कमाया जा सकता है, इस तरीके से भी पुण्य जुड़ता है। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपके साथ। जय जय श्री बाबा महाराज, जय जय गुरु गोरखनाथ।